आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज इक्वल्स टू 9, वेयर r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, एंड r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4i माइनस j कैप plus mu times into 3i cap minus 2j cap plus 2k cap where mu belongs to r then alpha is. तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है एंड हमें दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखी है 9. ओके, नाउ अगर हम देखें इन दोनों लाइंस को i cap minus 2j cap plus 2k cap एंड 3i cap minus 2j cap minus 2k cap, तो ना ही ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है. क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए अगर हम देखें फॉर पैरेलल लाइंस a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are the coefficients of i cap, j cap and k cap respectively. So, अगर देखें हम इस लाइन के लिए i cap minus 2j cap plus 2k cap के लिए a1 क्या है मेरा 1, ओके, एंड इस लाइन में 3 है a2. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें हम ये क्या हो जाएगा minus 2 by minus 2 एंड c1 क्या है 2 एंड c2 क्या है minus 2. So, 2 by minus 2. So, ये तीनों क्या है बराबर नहीं है. ओके, सो हम कह सकते हैं ये लाइन मेरी क्या है पैरेलल नहीं है बिकॉज a1 by a2 एंड b1 by b2, c1 by c2 आर नॉट इक्वल नाइदर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सिमिलरली अगर हम देखें फॉर परपेंडिकुलर लाइंस मान लेते हैं ये मेरा क्या है, दिस इज माई b1 वेक्टर एंड दिस इज माई b2 वेक्टर. सो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होना चाहिए 0. ओके, तो अगर इसका निकालें डॉट प्रोडक्ट, सो 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 एंड 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4. सो ये क्या हो जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये दोनों लाइंस ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है. दैट मीन्स ये मेरी क्या है स्क्यू लाइंस है. ओके, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस दे रखे हमें 9. इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बॉस प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, ओके, होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ओके, वेयर b1 वेक्टर इज दिस, b2 वेक्टर इज दिस एंड दिस होल इज a1 वेक्टर एंड दिस होल इज a2 वेक्टर. सो पहले हम क्या लिख लेते हैं a2 वेक्टर. a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. सो अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. सिमिलरली a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा a2 वेक्टर हो जाएगा माइनस 4i कैप माइनस j कैप माइनस 4i कैप माइनस j कैप. अगर हम लिखें b1 वेक्टर, सो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. एंड अगर देखें b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, b2 वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप. ओके, सो a1 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4i कैप माइनस j कैप माइनस ऑफ अल्फा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. सो ये क्या हो जाएगा माइनस 4i माइनस अल्फा i, अगर i कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 4 माइनस अल्फा. नाउ माइनस j कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप नाउ माइनस 2k कैप. ओके, तो ये मेरा आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. अब हमें क्या निकालना है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर. तो क्या हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ नाउ कोफिशियंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप. ओके, सो माइनस 4 माइनस अल्फा, जे कैप का कोफिशियंट माइनस 3 एंड के कैप का कोफिशियंट माइनस 2. सिमिलरली फॉर b1 वेक्टर 1 माइनस 2 2 एंड फॉर b2 वेक्टर 3 माइनस 2 माइनस 2. ओके, नाउ इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस अल्फा इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 सो प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3. ओके, सो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू
माइनस टू, माइनस माइनस प्लस सिक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर माइनस अल्फा इंटू एट प्लस थ्री इंटू माइनस एट माइनस टू इंटू फोर, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस थर्टी टू माइनस एट अल्फा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस एट। नाउ ये क्या हो जाएगा माइनस थर्टी टू माइनस एट इज फोर्टी एंड माइनस फोर्टी माइनस सिक्सटी ट्वेंटी फोर इज माइनस सिक्सटी फोर, सो माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा, ये मेरा क्या आ गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर। ओके अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, सो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर ये क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप। ओके नाउ बी वन वैक्टर क्या है मेरा आई माइनस टू जे प्लस टू के, सो वन माइनस टू टू वन माइनस टू टू, एंड बी टू अगर देखें तो क्या है थ्री माइनस टू माइनस टू, सो थ्री माइनस टू माइनस टू, सो ये क्या हो जाएगा आई कैप इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इज फोर, फोर प्लस फोर माइनस जे कैप इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस के कैप इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। ओके सो ये क्या हो जाएगा एट आई कैप माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट इंटू माइनस वन प्लस एट जे कैप प्लस फोर के कैप, ये मेरा आ गया बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। तो मॉड ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एट स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन। नाउ ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू ट्वेल्व। ओके सो हमारे पास वैल्यूज आ गई बॉक्स प्रोडक्ट की और मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू की। सो डिस्टेंस क्या होता है मेरा ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर मॉड। ओके सो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना आया, ये आया मेरा माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा, सो माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा डिवाइडेड बाई ट्वेल्व मॉड, एंड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखी है नाइन। ओके सो दिस इज इक्वल टू नाइन। नाउ जब हम मॉड साइन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू प्लस माइनस नाइन, सो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू नाइन और माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस नाइन, सो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा इज इक्वल टू वन जीरो एट, सो एट अल्फा इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फोर माइनस वन जीरो एट, सो यहाँ से हमारे अल्फा क्या आ जाएगा माइनस सिक्सटी फोर माइनस वन जीरो एट डिवाइडेड बाई एट, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन जीरो एट, और एट अल्फा इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फोर प्लस वन जीरो एट, सो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई एट। ओके नाउ अगर फोर से कैंसिल करेंगे तो इलेवन फोर टू ज़ा एट, सो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा इलेवन बाई टू। नाउ यहाँ पे मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू, एंड अगर हम क्वेश्चन में देखें देन क्वेश्चन में हमें क्या देखा अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स अल्फा की नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट, सो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इलेवन बाई टू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।